नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं एक बड़ी अपडेट। सागर हत्याकांड में मंडोली जेल से सुशील कुमार को की जान की खतरे की घंटी। दोस्तों, जिस सुशील कुमार को लगातार पुलिस 18 दिन तक फरारी के बाद बड़ी मुसीबत से गिरफ्तार किया, अब उसी सुशील कुमार को अब जेल में भी खतरा हो गया। दूसरे बॉर्डर में शिफ्ट किया गया है लोअर बिश्रोई और समेत संपत नेहरा को भी। दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी कहानियां? लगातार सुशील कुमार के ऊपर अब अफवाहें और सच्चाई दोनों ही हो रही है। और आपको बता दें कि सुशील कुमार को लेकर अब तमाम अपडेट जो है वो निकल कर आ रहे हैं। हर एक जो उनका मुजरिम है, गवाह है, उनका दुश्मन है या दोस्त है, हर एक का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको हम तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर आप बताने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सुशील कुमार से संबंधित आपको हर एक जानकारी मिले तो चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का साइड में उसे दबाकर ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे में हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सबसे पहले अपडेट जान पाओगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएगा, कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है काफी सारी मेहनत। दोस्तों, बात करें आगे तो सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था। अभी वह दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और उनकी सुरक्षा के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में आया है। बता दें आपको कि उन्हीं के साथ मंडोली जेल में बंद उनके विरोध गैंगस्टर लोअर बिश्रोई को अब तिहाड़ जेल नंबर 1 में हाई सुरक्षा बोर्ड में ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही गैंगस्टर संपत नेहरा को भी जल्दी ही तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। है ना दोस्तों, बड़ी ऐतिहासिक बात, जहां पर तीन दुश्मन एक जेल में, अब सुशील कुमार को बढ़ गया है खतरा, क्योंकि सुशील कुमार अपनी जान को लेकर काफी हैरान है। दोस्तों, उनके साथ जरा सी भी चूक हुई तो उनकी मौत हो सकती है जेल के। दोस्तों, आपको बता दे आगे के अपडेट, तो इन दिनों गैंगस्टरों की शिफ्ट करने का उद्देश्य केवल सुशील की सुरक्षा है। गैंगस्टर लोयर बिश्रोई और संपत नेहरा हाल ही में मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट हुए थे। इसी मंडोली जेल नंबर 15 के सेल नंबर 1 में सुशील बंद है। सागर हत्याकांड के बाद लोयर बिश्रोई, संपत नेहरा, काला जटड़ी जैसे गैंगस्टर सुशील को जान से मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। इसके कारण तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया है कि 24 घंटे वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। प्रोमिलिट्री फोर्म के जवान भी सुशील को बोर्ड पर पास 24 घंटे सुरक्षा करने में तैनात रहेंगे। आखिरकार दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं सुशील कुमार, तो उनकी सुरक्षा बनती है पुलिस वालों की कि उनको पूरी सेफ्टी दी जाए, क्योंकि दोस्तों अब उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, ये अपडेट है जो हम आपको तमाम अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। प्रोटीन डाइट की याचिका को लिए कोर्ट जाएंगे सुशील। ये भी दोस्तों सुशील की एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि कुमार अपनी प्रोटीन डाइट को याचिका के लिए कोर्ट जाने की बात की थी, मगर सुशील कुमार की ओर से अभी तक कोई ऐसी याचिका दर्ज नहीं कराई गई है। सूत्रों की माने तो अगर कोर्ट ने सुशील की इस याचिका पर आदेश जारी किया तो उन्हें उनकी स्पेशल डाइट दी जा सकती है। सुशील को अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य का ध्यान रखने बेहद जरूरी है। बता दें कि पहलवान सागर धनगढ़ की हत्या के मामले में छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों की मारपीट के बीच हो गई थी, उसी के मामले में सुशील कुमार को आरोप करार दिया गया है। कई दिनों तक फरार रहने के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। अब उन पर मुकदमा चल रहा है और अब उनके मुकदमे पर सुनवाई होना बाकी है। लगातार उनके ऊपर एक नई अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कोई ना कोई उनके ऊपर एक ऐसी आरोप लगा रहे हैं जो कि उनके हकदार भी बताए जा रहे हैं सुशील कुमार, क्योंकि दोस्तों सुशील कुमार को लेकर अब खुलासे होने लग गए हैं और खुलासों के बीच सुशील कुमार चर्चे में है और ऐसी चर्चे में है जिसे सुशील कुमार को जान का खतरा है। लोयर बिश्रोई, काला जटड़ी और संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर उनको मारने के लिए तैयार बैठे हैं। बस सुशील कुमार की निगरानी हटी और दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और दोस्तों, आप सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट चाहते हैं आगे तक, तो अभी के अभी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है उसे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल द इंडिया न्यूज को, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम तमाम अपडेट आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत